अभी आप सुन रहे थे राजकुमारी सुंदरा दे ने अपने रूप भूषण का जादू चलाने की लाख कोशिश की, लेकिन उस जन्मजती साधु के ऊपर, उस पूर्ण बल के ऊपर कोई जोर नहीं चल पाया। तो राजकुमारी सुंदरा दे ने भिक्षा घाल दी और यह कहने लगी कि अगर तू इतना गुरु का भक्त है और गुरु की आज्ञा से तू यहां पर आया है तो तेरे गुरु गोरखनाथ से ही मैं तुझको लेकर के आऊंगी। और गुरु गोरखनाथ के डेरों पर जाकर के उन साधु संतों को जिमाना शुरू कर दिया, उनके लिए भंडारे खुलवा दिए उनको प्रसन्न करने के लिए। एक रोज की बात, गुरु गोरखनाथ अपनी योग साधना में बैठे थे और गुरु गोरखनाथ का ध्यान कहां, पूर्णमल की जननी माता के पास में पहुंचा जिसकी कोख से पूर्णमल का जन्म हुआ था। अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि पूर्णमल के वियोग में उसकी जननी माता इच्छरा दे वो आंखों की रोशनी खो चुकी है, अंधी हो गई है, पुत्र वियोग में रो रो करके अंधी हो गई। जिस समय जल्लाद पूर्णमल को कत्ल करने के लिए लेकर के गए थे, जब तक बेटा दिखता रहा जब तक वो देखती रही और रोती रही, और जब बेटा दिखना बंद हो गया तो मां की आंखों की रोशनी भी बंद हो गई। आज 13-14 साल बीत जाने के बाद में गुरु गोरखनाथ ने मां की उस ममता को समझते हुए पूर्णमल को आदेश कर दिया कि बेटे पूर्णमल, तेरे गुरु गोरखनाथ का तेरे लिए हुक्म है, आदेश है, तुझे अपनी नगरी के अंदर जाना है, तुझे अपनी उस जननी माता के चरण छू करके आने हैं जिसकी कोख से तेरा जन्म हुआ है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए पूर्णमल चल दिए और चल करके कहां, राजा शालभान का एक बाग था। जिस समय जल्लाद पूर्णमल को कत्ल करने के लिए लेकर के गए थे तो उस बाग के अंदर से गए थे, लेकिन जब पूर्णमल के शरीर को काट करके वापस लौटे तो राजा शालभान का वो बाग मुरझा जाता है, वो बाग सूख जाता है। आज 13-14 साल के बाद में पूर्णमल का भी आना उसी बाग की तरफ से हुआ, और जैसे ही पूर्णमल ने अपने कदम उस बाग के अंदर रखे, गुरु गोरखनाथ की ऐसी कृपा फिरी, राजा शालभान का वो सूखा हुआ बाग अचानक एकदम से हरा हो गया और नगरी के अंदर शोर हो गया कि एक इतना तपस्वी संत हमारे बाग के अंदर आया है जिसके मात्र पैर रखते ही जो बाग 14 साल से सूखा पड़ा था आज एकदम अचानक हरा हो गया। नगरी के सभी लोग उस संत के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े, राजा शालभान भी उस संत के दर्शन करने के लिए आए, लेकिन उसकी पहचान नहीं कर पाए कि ये मेरा बेटा पूर्णमल है। क्यों? क्योंकि 14 साल बीत लिए थे, आज साधु के भेष में है, युवा अवस्था में है, जवान अवस्था में है पूर्णमल। और आकर के राजा शालभान ने उसी धूने पर अपना मस्तक आटे का जिस जहां धूना लगा करके बाग के अंदर पूर्णमल बैठे थे, जैसे ही धूने पर मस्तक टेका राजा की आंखों से अचानक एकदम से आंसू निकलने शुरू हो गए। तो वो संत बने हुए पूर्णमल पूछने लगते हैं कि हे राजन, इतनी बड़ी नगरी, इतना बड़ा राजपाट, सब कुछ होने के बाद में आपकी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं, आप क्यों रो रहे हो? तो आज राजा को अपने उस पुत्र की याद आई, आज बेटे का मोह सताने लगा, क्योंकि पुत्र के जाने के बाद में राज सूना हो गया था। आज राजन कह रहे हैं अपने मन का हाल किस तरह से बता रहे हैं, मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु मैं निर्भाग मर्या को जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को न्या हो, घर का बाग हरा को न्या, मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु मैं भाग बड़ा को न्या, जंगल का बाग हरा हो गया,
पता नहीं इस दुनिया में किसा भाग लिखा के आया मैं। हरदम आंखों में नीर रहे मेरी जाली उठे है काया में। बेशक बाग हरा हो गया पर कौन बैठेगा छाया में। मेरे बर्तन आला रहा नहीं क्या आग लगा दूं माया में हो आग लगा दूं माया में। मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ हा इस दुख से दिल दुखी हुआ। खुशियों से कदा भरा हो गया जंगल का बाग हरा हो गया। मेरे घर का बाग हरा भी चाह बेटे की तो मेरी क्या औकात गुरु हो मेरी क्या औकात गुरु। जगत में वैसा रोहड़ा मचता है। इस दुनिया का बर्ताव गुरु मेरे साथ में ऐसा जचता है। मेरी और मेरी रानी की जग परछाई से बचता है परछाई से बचता है। मैं तो बीच बिचाले लटक गया हो बीच बिचाले लटक गया। गुरु अब आकाश धरा फूल नहीं फुलवारी में। लंदन सिंह राज बलमन की खोल सुनाती साई में। फिर सांस मार के न्यू बोलिया मेरा